नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बांका जिले के बौंसी थाना क्षेत्र के डेम रोड स्थित छर सीमेंट के दुकान में खरीदी करने आए व्यक्ति के अपराधियों ने बाइक का डिक्की तोड़कर 40,000 सहित कुछ जरूरी कागजात लेकर फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बुंदवा कुराबा थाना क्षेत्र के रामसागर कौन निवासी मनोज यादव बौंसी के SBI बैंक से पैसे निकासी कर सीमेंट खरीदने डैम रोड स्थित छर सीमेंट विक्रेता जयराम चौधरी के यहां अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी कर चला गया था, जिसके बाद जब पैसे निकालने अपनी बाइक के पास आया तो देखा कि डिक्की का ताला टूटा हुआ है और नगद राशि सहित अन्य जरूरी कागजात गायब है। तुरंत जब ये जानकारी दुकानदार को दी तो वह अपने दुकान में लगे CCTV कैमरे में फुटेज देखने लगा और फिर देखा कि दो लड़का पल्सर बाइक पर सवार होकर आया था और उसमें एक लड़का अपनी बाइक से उतरकर धीरे धीरे बाइक के पास गया और डिक्की तोड़कर उसमें रखा हुआ 40,000 नगद सहित बैंक पासबुक आधार कार्ड ATM सहित अन्य जरूरी कागजात लेकर भाग गया, जिसके बाद इसकी सूचना पहुंची थाना को दी गई और फिर पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। बुधवार को प्रखंड के फुली डुमर पंचायत अंतर्गत सामुदायिक भवन में मुखिया योगेंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित शिविर हंगामा की भेंट चढ़ गई। आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद कर कर्मी वापस लौट गए। जानकारी के अनुसार शिविर में कार्यपालक सहायक अपना काम कर रहे थे, लेकिन स्थानीय पंचायत वासियों की भीड़ में शामिल कुछ युवाओं द्वारा पहले मैं करते हुए हंगामा कर दिया, जिसमें काफी तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस संबंध में स्थानीय मुखिया योगेंद्र मुर्मू ने बताया कि उसे समझा बुझाकर भीड़ को शांत किया गया, लेकिन कुछ युवकों पर कोई असर नहीं होते देख कार्यपालक सहायक रोहित कुमार एवं रवि कुमार बेसरा अपना सामान के साथ वापस लौट गए। NM नीतू कुमारी भी वैक्सीन देने के नाम पर भी शिविर से वापस लौट गई। पर्यवेक्षक अमन श्री मौके पर मौजूद नहीं थे। इस संबंध में पर्यवेक्षक ने बताया कि पर्यवेक्षण को लेकर उन्हें कोई सूचना नहीं है, वे पटना जा रहे हैं। हालांकि हंगामा होने तक करीब 20 लाभुकों को निबंधन किया जा चुका था, जबकि रघु मुर्मू, किशुन देव टुडू, अरुण कुमार, राजेंद्र शाह, कपिल देव शाह, भुट्टो शाह एवं अन्य लोगों ने बताया कि आयुष्मान कार्ड को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी। मुखिया ने इस बाबत बताया कि घटना की जानकारी देकर एक दिन फिर शिविर का आयोजन किया जाएगा, ताकि सभी जरूरतमंद लाभुकों को निबंधन कराया जा सके। भागलपुर जिले में अपराधियों का मनोबल इन दिनों काफी बड़ा हुआ है। देर रात मधुसूदनपुर OP क्षेत्र का भीमकिता गांव एक बार फिर से गोलियों की तरतराहट से और बम की आवाज से दहल उठा। अपराधियों ने एक बार फिर जदयू नेता के घर पर फायरिंग की है। आपको बता दें कि जिस जदयू नेता कुणाल रतनपुरे के घर पर बदमाशों ने बीते 20 दिन पहले फायरिंग की थी, उसी के घर पर फिर से फायरिंग हुई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना में जदयू नेता की ब्लोरो गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। घर के दीवारों पर भी गोलियों के निशान है। वहीं घर के अंदर एक गोली के अवशेष भी पाए गए हैं। जदयू नेता के भाई राहुल रतनप्रिया ने कहा कि हम लोगों का पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। बीते कुछ दिन पहले हुए घर पर गोलीबारी बमबाजी मामले में नामजद लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। उसी केस को उठाने को लेकर मेरे घर पर गोलीबारी और बमबाजी की घटना को अपराधियों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में बदले की आग सुलग रही है, जो कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। वहीं मामले की सूचना पर पहुंचे भागलपुर SP पूरन कुमार झा व मधुसूदन OP प्रभारी दलबल के साथ पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। मनसा है वो तो पुलिस प्रशासन ही बताएगी। वो खुलेआम गाँव में घूम रहा है, कह रहा है कि अगर केस नहीं कंप्रोमाइज करेगा तो सबको गोली मार देंगे। दीवार में गोली का निशान है, बोलोरो के मेरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, गोली अंदर हमारे अंदर तक चला गया है, एकदम पूरा बाथरूम तक चला गया है गोली। भागलपुर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के झुरखुरिया मोड़ के समय बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर एक शख्स से मारपीट कर बैंक में जमा करने जा रहे 1,10,000 रुपए की लूट कर ली। फिर सौरभ कुमार ने बताया कि वह जय बिहार कॉलोनी से सब और पैसा जमा करने जा रहा था, तभी झुरखुरिया मोड़ के पास अपाची बाइक पर सवार दो अपराधियों ने अज्ञात अपराधियों से पिस्टल के बट से प्रहार कर 1,10,000 रुपए से भरा बैग छीन लिया। घटना की सूचना मिलते ही 0 माइल थाना अध्यक्ष राज रतन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। यहाँ B4 है, एक जय बिहार में है, यहीं पे हम ग्रुप करके आ रहे थे। बस जाने के क्रम में कैश लेके आ रहे थे, जाने के क्रम में बस एक अपाची व्हाइट कलर का अपाची से आया, पिस्टल से मारा और बैग मेरा छीन के भाग गया। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के वसंतपुर में देर शाम जमीनी विवाद, मारपीट और फायरिंग की घटना में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान बिक्की कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत घायल के मित्र गौतम ने बताया कि उसने और बिक्की ने जिला परिषद सदस्य अरविंद मंडल और कुछ लोगों से जमीन का एग्रीमेंट कराया था, जिसके एवज में जिला परिषद सदस्यों को भुगतान भी कर दिया गया था। बावजूद इसके जिला परिषद सदस्य और उनके सहयोगियों के द्वारा जबरन जमीन का रजिस्ट्री किया जा रहा था। इस बाबत जब उन लोगों ने जिला परिषद सदस्य अरविंद कुमार मंडल को ऐसा करने से मना किया तो अपने सहयोग के साथ
मिलकर उन लोगों ने हम लोगों पर हमला बोल दिया और मारपीट के बाद फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।